Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं एक ऐप वर्कआउट चैलेंज लेके आया हूँ जो आपको दो हफ्ते तक परफॉर्म करना है रोज डेली, और इसको करने से आपके जो ऐब मसल्स हैं, जो आपके एब्स में लगी हुई फैट है वो ड्रॉप होगी। रुके रुके ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में नहीं बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा। न्यूट्रिशन आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी है, कोई कैलोरी डेफिसिट नहीं करना, कुछ नहीं करना। जो फूड आप खा रहे थे, जितनी अमाउंट में खा रहे थे, सेम अमाउंट खाना है दो हफ्तों के लिए। सिर्फ इस वर्कआउट को 10 मिनट्स के लिए डेली परफॉर्म करिए और आपको देखने को मिलेगा कि आपके ओवरऑल बॉडी से फैट ड्रॉप हो रही है और साथ ही साथ आपके जो ये एब्डोमिनल कोर मसल्स हैं ये ज़्यादा डिफाइन हो रहे हैं। तो आप खुद करके देखिए, और ये मैं आपको चैलेंज जो दे रहा हूँ इसको आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या फिर ट्विटर पे शेयर करना है अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी प्रोग्रेस को एक हैशटैग के साथ, वो है हैशटैग जीत सलाल एब्स चैलेंज। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए। और गाइस चलिए शुरू करते हैं, फॉलो करिए मेरे साथ इस वर्कआउट को, लेट्स गो। ऑलराइट, सो वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद अ वार्म अप एक्सरसाइज व्हिच इज काउ स्ट्रेच, और ये हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारी एब मसल्स, हमारा कोर, हमारी लोअर बैक सारा कुछ वार्म हो। नेक्स्ट वार्म अप एक्सरसाइज है हमारी कोबरा स्ट्रेच। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है आपके नेक को, आपके शोल्डर जॉइंट्स को, आपके लोअर बैक को बहुत अच्छी तरीके से वार्म करता है। इसके बाद हम 5 सेकंड का यहाँ पे रेस्ट लेंगे और फिर हमारी मेन एक्सरसाइजेस स्टार्ट होंगी। हमारी पहली एक्सरसाइज आ रही है फ्लटर किक्स लेग ड्रॉप, और जिसको आप 30 सेकंड्स के लिए परफॉर्म करेंगे। फ्लटर किक्स लेग ड्रॉप एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आपके लोअर एब्डोमिनल वाले एरिया को टारगेट करती है, कोर में स्टेबिलिटी इंप्रूव करती है। इसके बाद सुपरसेट एक्सरसाइज हम लगाएंगे हाई लेग क्रंचेस, यानी कि बिना रेस्ट किए हमको ये एक्सरसाइज लगानी है। हाई लेग क्रंचेस आपको बेनिफिट करती है आपके एब्डोमिनल के ऊपर वाले हिस्से को टारगेट करते हुए, और साथ ही साथ इसको बहुत ही कंट्रोल्ड फॉर्म में आपको लगाना है फॉर 30 सेकंड्स। इन दोनों एक्सरसाइज के बाद आप 10 सेकंड का यहां पे रेस्ट लेंगे। रेस्ट के बाद आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है बेंट नी जैक नाइफ। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आप एक तरीके का सेटअप मूवमेंट कर रहे हैं जो आपके कोर मसल्स के साथ साथ आपके हिप फ्लेक्सर मसल्स को भी ट्रेन करती है। नेक्स्ट सुपरसेट एक्सरसाइज है हमारी हिप रेज, जिसको आप 30 सेकंड्स के लिए अगेन लगाएंगे। हिप रेज बेसिकली एक रिवर्स क्रंच है जो आपके लोअर एब्डोमिनल एरिया को टारगेट करती है। I can't find, don't let the sun go down.
इसके बाद हम लेंगे 10 सेकंड का रेस्ट। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है स्पाइडरमैन प्लैंक्स। स्पाइडरमैन प्लैंक्स एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके ओब्लिक्स को टारगेट करने के लिए, साथ ही साथ आपके हिप फ्लेक्सर्स को भी ये टारगेट करती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी यहाँ पे प्लैंक होल्ड, यानी कि आपको 30 सेकेंड्स के लिए प्लैंक पोजीशन को होल्ड करना है। इसके बाद हम 10 सेकंड का यहाँ पे रेस्ट लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आ रही है विंडशील्ड वाइपर्स। इस एक्सरसाइज को आप इस तरीके से फ्लोर पे लगाते हैं आपकी ओब्लीक मसल्स को ट्रेन करने के लिए, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ओब्लीक्स। इस एक्सरसाइज के ठीक बाद आप इसको सुपरसेट करेंगे इन एंड आउट एक्सरसाइज से। ये एक्सरसाइज आपके लोअर एब्डोमिनल एरिया को टारगेट करती है, साथ ही साथ आपकी स्टेबिलिटी को, कोर स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव करती है। इसके बाद आप लेंगे 10 सेकंड का यहां पे रेस्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी प्लैंक विथ हिप ड्रॉप। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी कोर की स्टेबिलिटी, आपके ऑब्लिक मसल्स को ट्रेन करने में। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी माउंटेन क्लाइंबर्स। माउंटेन क्लाइंबर्स एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए, साथ ही साथ कोर मसल्स को टारगेट करने के लिए। कम ऑन गाइज, वी आर ऑलमोस्ट 50% डन, लेट्स गो, कीप मूविंग। इसके बाद हम लेंगे 10 सेकंड्स का रेस्ट।
नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आ रही है वी सिट बाइसिकल। वी सिट बाइसिकल एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके लोअर एब्डोमिनल को टारगेट करने के लिए। इसको भी आप 30 सेकेंड्स के लिए टारगेट करेंगे। एज अ सुपर सेट हम यहां पे लगा रहे हैं बाइसिकल क्रंचेस। बाइसिकल क्रंचेस आपके लोअर एब्डोमिनल के साथ साथ आपके अपर एब्डोमिनल को भी टारगेट करती है। बहुत ही स्टेडी फॉर्म में आपको इस एक्सरसाइज को लगाना है। Come on guys, keep going. इसके बाद हम लेंगे 10 सेकेंड का रेस्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आती है प्लैंक किक्स। प्लैंक किक्स को हमें 30 सेकेंड्स के लिए फॉलो करना है और इस तरीके से बिल्कुल जैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूं वैसे आप करते चलिए। इसके साथ सुपर सेट एक्सरसाइज है हमारी अप एंड डाउन प्लैंक। इस एक्सरसाइज को भी आप 30 सेकेंड्स के लिए लगाएंगे। देखिए गाइस, फॉर्म आपका बहुत ही स्टेबल होना चाहिए, स्टेडी फॉर्म में आप लगाएंगे। इसके बाद हम लेंगे 10 सेकेंड्स का रेस्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी रशियन ट्विस्ट्स। रशियन ट्विस्ट आप सभी लोगों को पता है कि ये आपके ऑब्लीक मसल्स को ट्रेन करती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्लीक। कम ऑन गाइज, लेट्स गो, कीप गोइंग। आई नो कि बहुत टफ हो रहा है आपके लिए ये, लेकिन चलते रहिए। नेक्स्ट सुपर सेट एक्सरसाइज है हमारी हील टैप। हील टैप को आप बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे बिल्कुल स्टेडी फॉर्म में। इसके बाद हम लेंगे 10 सेकेंड का रेस्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी यहां पे ओब्लीक क्रंचेस राइट साइड। यहाँ पे हम अपने ओब्लीक मसल्स को क्रंच कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं उसको 30 सेकेंड्स के लिए।
इसके ठीक बाद हम ऑब्लिक क्रंचेस लेफ्ट साइड में करेंगे। Come on guys, keep pushing. हमारा almost 90% workout यहाँ पे खत्म होने वाला है। इसके बाद हम लेंगे 10 सेकेंड का रेस्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी यहाँ पे प्लैंक जैक्स। प्लैंक जैक्स अगेन बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आपके कोर की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करती है, कार्डियोवैस्कुलर जो आपकी एक्टिविटी है उसको भी बढ़ाती है। इसके साथ हम सुपरसेट लगा रहे हैं इन्वर्टेड वी प्लैंक्स को। कम ऑन गाइस, दिस इज आवर लास्ट एक्सरसाइज, सो मेक श्योर यू गिव इट ऑल। Alright, that's it. हमारा वर्कआउट यहाँ पे खत्म होता है। अब आप कूल डाउन स्ट्रेचेस करेंगे। एंड गाइज, मेक श्योर आप इन एक्सरसाइजेस को लगातार फॉलो करेंगे, exactly जैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ उतना ही रेस्ट लेंगे जितना मैं ले रहा हूँ। एंड गाइज, थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो कीजिए। अपने प्रोग्रेस को ज़रूर शेयर करिए #JeetSalalAbsChallenge के साथ। All right guys, take care. Thank you very much. Love you all and bye-bye.